न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और अब बात करते हैं सतना की, जहां सिटी कोतवाली पुलिस ने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेलिंग करके ठगने वाले गिरोह को पकड़ा है, जिसमें एक महिला और चार पुरुष भी शामिल है। सिटी कोतवाली पुलिस ने सभी लोगों को धवारी स्थित एक घर से छापा मारकर गिरफ्तार किया है। आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की ये कार्रवाई एक व्यापारी की शिकायत पर हुई है। अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ठगने वाले इस गिरोह को पकड़े जाने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि सतना के संजय जैन नामक व्यापारी ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि रजनी उर्फ रश्मि पटेल नामक महिला जो धवारी में रहती है, उसने फोन पर पहले बातचीत की, उसके बाद दोस्ती करने के साथ साथ अश्लील वीडियो बना लिए। महिला ने ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। व्यापारी ने दहशत में आकर महिला को 5 लाख रुपए दे दिए, जिसके बाद भी महिला ने 15 लाख रुपए का चेक भी ले लिया, जिससे परेशान होकर व्यापारी ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने धारा 384 का अपराध पंजीबद्ध किया और उसके बाद जांच पड़ताल की, जिसमें पुलिस को पता चला कि महिला एक संगठित गिरोह चलाती है और इस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करती है। पुलिस ने छापा मारकर रजनी उर्फ रश्मि पटेल विजय दहिया के समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। विराट 24 न्यूज के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। संजय जैन हैं जो व्यापारी हैं, उन्होंने एक शिकायत की थी कि रजनी उर्फ रश्मि पटेल है जो उसने पहले मोबाइल से उसने संपर्क किया, इसके बाद उनकी थोड़ा सा दोस्ती यारी करके और कुछ अश्लील वीडियो बना के और इस तरीके से ब्लैकमेल कर रही थी। 5 लाख रुपए ले लिए थे और 15 लाख रुपए के चेक भी लिए थे। तो रश्मि और के खिलाफ जब शिकायत की तो इस पर हमने अपराध पंजीबद्ध करके उसकी विवेचना की, जांच किया तो पता चला कि रश्मि अपने 4 साथियों के साथ, विजय दाहिया है और कुछ और उसके साथी हैं, ये लोग मिलके इसी तरीके से लोगों को फंसा के और ब्लैकमेलिंग का धंधा कर रहे थे। सूचना पे हमने 384 का अपराध कायम किया है और इसके बाद इन तीनों चार पुरुष एक महिला सभी को गिरफ्तार किया है और उनको आगे की विवेचना और जांच कर रहे हैं कि और किन किन लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग का धंधा लगी। ये दवारी है जी, इसमें धारा 384 का है, अभी बढ़ा रहे हैं उसमें और धारा और विवेचना में जो तथ्य आ रहे हैं। चारों एक, चूँकि एक संगठित गिरोह टाइप का ये चला रहे थे तो अलग अलग हमने अरेस्ट किया। किस प्लेटफॉर्म के से ये लोग करते थे और किस तरह से? मोबाइल के माध्यम से ये लोग संपर्क करते थे और इसके बाद फिर अपने जाल में फंसा के उन्होंने, हाँ, पहले फ़ोन करके और फिर दोस्ती करना और फिर उस तरीके से करके।